यस, टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट फ्रैक्शंस। एंड फ्रैक्शंस में हमने क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम ली है हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस की, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, सिंपल फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हमने एडिशंस करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपके पास, उसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको कल बताया था ये, तो क्या करेंगे इसको, 5 3 5 3 4 5 5 3 2 5। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा आपके पास, 5 3 15 15 + 4 / 5 - 15 + 2 / 5, ठीक है। तो ये बनेगा 19 / 5 - 17 / 5। तो क्या बना आपके पास, 19 / 5 - 17 / 5। अब इसमें देखेंगे आप लोग, इनके जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो मैंने कौन सी बताई थी आपको, ये लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इजीली इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम कितना आया इसका, 5 एलसीएम आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बना, 19 - 17 / 2/5। तो जब हमने मिक्स फ्रैक्शन को क्या किया, यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, उसके आफ्टर हमने इनका एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पहले अब हमने किया ना, जितने भी किए हैं अभी, टू टू फ्रैक्शंस ली थी, उनका डिफरेंस किया, उनका ऐड किया उनको। अब हमने 3 फ्रैक्शंस ली हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग सॉल्यूशन क्या है आपके पास, 2 × 3/8 + 1 × 2/9 + 4/9। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, फर्स्ट टू फ्रैक्शन जो है ये, इनको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 8 × 2 = 16, 16 + 3 कितना हो गया, 19 / 8 + 9 = 9, 9 / 2 ऐड किए तो 11 / 9 + 4/9, ये आया आपके पास 8 × 16। 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आपके पास ये चीज है 3 है ऊपर, इसको हमने ऐड करना है, 8 × 16 + 3 = 19 / 8 + 9 × 9, 9 / 2 ऐड किए 11 / 9 + 4/9। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना है, अब हमारे पास ये फ्रैक्शन में बन गया है, एलसीएम ऑफ 8, 9 = 2। अब एलसीएम लेते हैं इसका वाई यूजिंग डिवीजन मेथड, एट से किया, 8 × 8 = 9 आपका वैसे ही रहा, 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9। तो कितना आया, 8 × 9 तो 8 × 9 = कितना हुआ आपके पास, 72। अब एलसीएम कितना आया यहाँ पे, 72 एलसीएम आया। अब हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे इसको करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, या वैसे ही एलसीएम ले लीजिए आप, 72 एलसीएम आया है, 8 × 9 = 72, 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 9 × 9 = 81, और ये कितना बना, 171 + 9 = 72, और 8 बचा आपके पास, 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना, 11 से, 11 = 88 + 8 = 32, ये आया आपके पास। तो 771 + 88 + 32, इनको हमने ऐड कर दिया, तो कितना आएगा आपके पास यहां पे, 9 + 2 = 11, 1 = 8 = 16 + 3 = 9 and 19 और यहां पे 1 + 1 कितना आ गया, 2, ठीक है।
8 + 3 कितना 11, 11 में 7 ऐड किए तो 18, 18 में 1 ऐड किया 19, 19 का 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 291/72। तो कितना आया आपके पास 291/72। अब आंसर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में था, फिर क्वेश्चन आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है तो हमने आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। कैसे करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो 72 का टेबल तो पॉसिबल नहीं है आना, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये ट्रिक होता है कि यहाँ इसका जो टेंथ प्लेस के ऊपर है उसको यहाँ पे देखो 7 × 4 = 28। तो देखो फोर्स करके देख लेते हैं, 72 × 4, 4 × 2 = 8, 7 × 4 = 28। देखो इसे है नियरेस्ट, तो कितना है 288, और आपके पास कितना बना यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा है। डिवाइजर आपका नीचे आएगा, कोशेंट 4 है साइड में एंड रिमाइंडर आपका ऊपर आएगा, 4 × 3/72, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट है राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हमने कल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े थे कि उनकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। अब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ 2/5, ठीक है, हमने क्या करना है, सेम नंबर से न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 2 ये कितना बना 4/10, 2/5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर में एंड 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे अब डिनोमिनेटर में, 3 × 2 = 6/5, 3 = 15। नेक्स्ट आपके पास 2/5 × 4 और मल्टीप्लाई 4, 2 × 4 = 8 प्लस 5 × 4 = 20, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास 2/5, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और 5 से हमने डिनोमिनेटर में किया 10/25। तो देखो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जब इनको हम कट मतलब रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 2/5 बनेगा। तो फर्स्ट बनी थी देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5 आर क्या बना है आपके पास 4/10, 6/15, 8/20, 10/25। जब इनको हम रिड्यूस करेंगे तो आपके पास वही आएगा 2/5, 2/5, 2/5, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, ये प्रॉब्लम जो वो स्टेटमेंट की फॉर्म में, द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यू नो वेरी वेल इन ट्राइंगल देयर आर ओनली 3 साइड्स, तो तीनों साइड्स की आपके पास लेंथ दी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 10 × 1/2 cm, 12 × 3/4 cm एंड 9 × 2/3 cm, ये है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, यू नो वेरी वेल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल मतलब साइड 1 साइड, ये हमने तीनों क्या करने हैं, हमने ऐड कर देने हैं। गिवन सॉल्यूशन में राइट करेंगे आप लोग, गिवन लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इक्वल टू 10 × 1/2 cm, 12 × 3/4 cm, 9 × 2/3
सेंटीमीटर। ये हैं आपके पास साइड्स। एज यू विश की आपने इनको पहले ही सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है कि आप बाद में करेंगे। हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ थ्री साइड्स। सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ है ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन तीनों साइड्स का सम करना है। 10 इंटू 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर प्लस 12 इंटू 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर प्लस 9 इंटू 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, 10 इंटू 1 अपॉन 2, 12 इंटू 3 अपॉन 4 एंड 9 इंटू 2 अपॉन 3, ये है। इनको हमने पहले क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 10 टू जा 20, 20 प्लस 1 कितना बना 21 सेंटीमीटर प्लस 12 फोर जा 48 प्लस 3 51 अपॉन 4 सेंटीमीटर प्लस 9 थ्री जा 27 प्लस 2 29 अपॉन 3 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 3 क्या बनेगा आपके पास, 2, 4, 3 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आया आपके पास अगेन 2 से, देन 3 से, ये तो क्या आया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12 एलसीएम आया। अब हमने क्या करना है, सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये एलसीएम ले लीजिए 12, ठीक है, 6 बचा आपके पास, 2 6 जा 12, तो हमें 21 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 21 6 जा 126, नहीं आता है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये अगेन 4 3 जा 12 प्लस 3 बचा है आपके पास, 51 मल्टीप्लाई 3 153 सेंटीमीटर प्लस 3 4 जा 12, तो 29 को 4 से, 9 4 जा 36, 9 4 2 जा 8 प्लस 3 11 116 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ही ऐड कर देंगे, 126 प्लस 153 प्लस 116 395 अपॉन 12। अब हमने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में दिया था तो हमने इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 395 अपॉन 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या है आपके पास सेंटीमीटर, तो कीजिए 395 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 थ्री जा 36 कितना बच गया, 3 आर लेफ्ट 5 आ गया, 12 टू जा 24 एंड 11 एज ए रिमाइंडर। तो क्या आया यहाँ पे आपके पास, 12 डिवाइजर है, 32 कोशेंट एंड 11 एज ए रिमाइंडर, ये आया पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक, इसमें किया हमने पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आइए आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द टर्म्स, ठीक है, लॉस्ट टर्म रिड्यूस करना है, हमने इसको
तो आपके पास है ये 3 इंटू 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9। फर्स्ट जो है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7 3 21, 21 प्लस 2 23 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहां पे देखेंगे 7 1 जा 7 7 1 जा 7, कितना बचा आपके पास 23 अपॉन 9। ठीक है, तो हमने क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कीजिए 23 को 9 से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27 बच जा रहा है, 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 5। तो राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन 9 2 जा 18, ये आया आपके पास। मतलब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और रिड्यूस कर दिया इसको लोएस्ट टर्म में, फिर इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट भी कर दिया साथ में। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन दिया है सिंपल फॉर्म में, सॉल्व 1/2 ऑफ 6। अब ऑफ का मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 6। तो देखो यहाँ पे अगर रिड्यूस हो सकती है टर्म्स आपकी, तो आपने रिड्यूस कर देनी है, उसके बाद जो भी बचता है उसको मल्टीप्लाई करके राइट कर देना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये बना आपके पास 1 मल्टीप्लाई 3, कितना आया आपके पास 3। नेक्स्ट है आपके पास, एक तो लिया था हमने यहाँ पे फ्रैक्शन, दूसरा लिया था हमने होल पार्ट। रेसिप्रोकल्स ऑफ द फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस में आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल्स। बोले कि एनी टू नॉन जीरो नंबर्स हूज प्रोडक्ट इज 1, मतलब किसी दो नॉन जीरो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आएगा प्रोडक्ट 1 आता है, वो क्या होंगे आपके रेसिप्रोकल्स। क्या होंगे वो आपके रेसिप्रोकल्स देखेंगे अब हम। राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द 9 × 2/3, आपके पास है मिक्स फ्रैक्शन में है ये 9 × 2/3, कन्वर्ट करेंगे इसको कन्वर्ट इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, क्या आएगा 9 × 2/3, 9 3 जा मतलब 3 × 9 + 2/3, कितना है आपके पास 9 3 जा 27 प्लस 2/3 इक्वल टू 29/3। अब हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। देयरफॉर रेसिप्रोकल्स ऑफ 29/3 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3/29। अब देखो इसका जो रेसिप्रोकल है, दोनों को मल्टीप्लाई जो करेंगे उसका आंसर कितना बनता है, 1 बोला है। हम चेक करते हैं, वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं साथ में। ये आपके पास था ओरिजिनल नंबर, हमने इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 29 1 जा 29, 29 1 जा 29, तो कितना बना ये 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ, ट्रू। मतलब जो चीज हमें बोली थी कि टू नॉन जीरो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर आपके पास 1 आता है, दीज आर रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड, क्योंकि डिवीजन का भी कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड करते टाइम आपने एक बात याद रखनी है, जो आपका सेकंड पार्ट है, जो मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो सेकंड पार्ट है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सॉल्यूशन 12 / 4/9, क्या बोला मैंने आपको, जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड पार्ट ये है आपके पास। ठीक है, तो यहां पे देखिए
जो रिड्यूस होगा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 एंड आपके पास आंसर बना 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट वन क्वेश्चन। अब हमारे पास दोनों ही फ्रैक्शंस में है आपके पास और इसको डिवाइड करना है हम लोगों ने। सॉल्यूशन 6 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 36 अपॉन 49। क्या बोला है आपको, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे एंड सेकेंड टर्म का हमने रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब इसको उल्टा कर देना है। ये अब जो रिड्यूस होगा उसको हमने रिड्यूस कर देना, 7 वन जा 7 7 7 जा 49 6 1 जा 6 6 6 जा 36। तो क्या है आपके पास, 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 7 अपॉन 6। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, एडिशंस की थी, मिक्स फ्रैक्शंस की, उसके बाद मल्टीप्लीकेशंस का किया और उन्हें डिवाइड किया फ्रैक्शंस को। ठीक है, थैंक यू।